क्लास टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टॉपिक रिफ्लेक्शन। इन आवर प्रीवियस वीडियो लेक्चर वी हैव टॉक अबाउट रिफ्लेक्शन इन विच द रे ऑफ लाइट पासिस थ्रू द सेम मीडियम रिफ्लेक्ट फ्रॉम द सेम रिफ्लेक्टेड इन द सेम मीडियम एंड इंसीडेंट फ्रॉम द सेम मीडियम। इंसीडेंस और रिफ्लेक्शन दोनों ही सेम मीडियम में होता था, बट हम रिफ्लेक्शन में जो आज स्टडी करेंगे वो करेंगे कि लाइट जो है वो ट्रेवल करती है डिफरेंट मीडियम में भी। देर मे बी डिफरेंट मीडियम इन विच लाइट हैज़ टू पास, कि डिफरेंट डिफरेंट मीडियम भी हो सकते हैं जहाँ से लाइट को पास करना पड़े। तो यहाँ से हमने एक डेफिनेशन निकाली, रिफ्लेक्शन इज द फिनोमिनन ऑफ लाइट बीइंग रिफ्लेक्टेड थ्रू द इंटरफेस बिटवीन वन मीडियम टू सेकेंड मीडियम वेरिंग डेंसिटी। इसका मतलब क्या है? एज वी हैव सीन इन द डायग्राम, ये कोई रे है लाइट की मीडियम वन में, एयर मान लीजिए, कोई भी मीडियम वन है। सेकेंड जो मीडियम है वो इससे डेंस है, ये एयर मान लीजिए, ये आप ग्लास मान लीजिए। एज वी नो, जब ये वेलोसिटी, ये जो रे आई लाइट की, इसकी वेलोसिटी एयर में ज़्यादा होगी, यहाँ पे रेयर मीडियम था, रेयर या लाइट रेयर या फिर लाइटर मीडियम, ये जो है वो डेंसर मीडियम है। लेट सपोज ये जो लाइट ट्रेवल कर रही थी एयर वाले मीडियम में, जिसकी वेलोसिटी, इस जो रे है इसकी वेलोसिटी है v1, एयर मीडियम में मूव कर रही है। अब जैसे ही इसने ग्लास के अंदर मूव किया, जैसे हम लोग लेट सपोज कि आप एक तो एयर में चल रहे हो ग्राउंड के ऊपर, और एक आपको वाटर टैंक में छोड़ दिया जाए कि आपको कहे आप इसके ऊपर वॉक करो, तो आपको डिफ़िकल्टी किस में होगी? वाटर में चलने में डिफ़िकल्टी होगी। क्यों? वाटर में आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। यहाँ भी वही है, जब एयर में जब लाइट ट्रेवल कर रही थी तो उसकी स्पीड रहेगी ज़्यादा, v1 जो है ज़्यादा रहेगा। जैसे ही वो लाइट जो एयर से ग्लास वाले मीडियम में गई, मीडियम वन से मीडियम टू में गई, तो उसकी वेलोसिटी हो जाएगी चेंज, दैट इज़ v1 to v2। डेंसर था, अगर यहाँ पे मीडियम वन डेंसर होता और मीडियम टू रेयर होता तो v1 हो जाता आपका लेस देन v2, लेकिन यहाँ पे ये वाला रेयर है, ये वाला डेंसर है, तो v1 ज़्यादा रहेगा v2 से। तो यहाँ से डेफिनेशन, रिफ्रैक्शन इज़ द फिनोमिना ऑफ लाइट बीइंग रिफ्लेक्टेड थ्रू द इंटरफेस बिटवीन वन मीडियम टू अनदर मीडियम वेरिंग डेंसिटी। यहाँ पर हमने मेंशन किया हुआ है v2 जो वेलोसिटी है वो बड़ी हो जाएगी v1 से, जब मीडियम टू लाइटर होगा देन मीडियम वन, और v2 छोटी हो जाएगी v1 से, देन जब कब होगा ऐसा, जब v2 छोटी कब होगी, जब मीडियम टू डेंसर होगा, जो कि इस केस में यहाँ पे दिखाया हुआ है डेंसर ग्लास वाला। तो रिफ्रैक्शन की जो डेफिनेशन है कुछ भी हो सकती है, द फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन, द फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन या फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन, कुछ भी। अब हम एक वाला केस लेते हैं, यहाँ तो हमने क्या देखा कि लाइट जो है नॉर्मली सरफेस के ऊपर इंसिडेंट कर रही है, लेकिन यहाँ पे ऐसे केस में रिफ्रैक्शन नहीं होता। रिफ्रैक्शन किस केस में होता है? जब इंसिडेंट रे जो है वो मीडियम के ऊपर, जो इंटरफेस जो होता है हमारा, इसे हम बोलते हैं इंटरफेस, ये इसका फेस है डेंसर मीडियम का, इस साइड से देखें तो इसका मतलब जहाँ पे जो दो मीडियम मिल रहे होंगे उसे बोलेंगे हम इंटरफेस। तो ये आपस में नॉर्मल, जैसे ये तो नॉर्मल मैंने दिखा दिया आपको, इसमें क्या बताया, यहाँ पे ओनली वेलोसिटी जो होगी चेंज होगी, डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, लाइट बैंड नहीं होगी। लेकिन रिफ्रैक्शन में क्या होता है, लाइट डिफ्लेक्ट होती है, लाइट की डायरेक्शन भी चेंज होती है। जैसे मान लीजिए ये OP जो है वो इंसिडेंट रे है, बाहर एयर है, ये ग्लास है, बाहर वाला रेयर है, अंदर वाला डेंसर है। यहाँ पे रिफ्रैक्शन के दो रूल हैं,
द रे ऑफ लाइट बेंड टूवर्ड द नॉर्मल व्हेन इट गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर. रेयर से डेंसर में आएगा तो नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा, और अगर डेंसर से रेयर में जाएगा तो अवे फ्रॉम नॉर्मल मूव करेगा. इसे देखिए कैसे समझ रहे हैं. इंसिडेंट रे, इंसिडेंट हुई ओ पॉइंट पे, ओ पी इंसिडेंट रे. हमने एक लाइन नॉर्मल ड्रॉ कर दी एन एन डैश, ग्लास के अंदर भी ग्लास के बाहर भी नॉर्मल लाइन है. अब रेयर से डेंसर में जा रहा है, रेयर टू डेंसर, तो लाइट जो बेंट होगी वो टूवर्ड द नॉर्मल. तो ये जो रे जा रही थी इसको जाना कैसे चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये वाली रे हल्की सी नॉर्मल की तरफ, ये नॉर्मल थी हल्की सी नॉर्मल की तरफ बेंट हो गई. ये बेंट होती हुई दिख रही है आपको. सेकंड केस, ये बेंट हो गई, ये बेंट होकर, सॉरी ये बेंट होकर ऐसे चली आ रही है, चली आ रही है ओ डैश पॉइंट पे. फिर दोबारा इंसिडेंट हुई. अब क्या हो रहा है, डेंसर से रेयर. हमने दोबारा यहाँ पे ओ पॉइंट हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया एम एम डैश. अब क्या हो रहा है, डेंसर से रेयर में जा रही है, डेंसर से रेयर में बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से थोड़ी सी दूर. इसे ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये थोड़ी सी नॉर्मल से और दूर हो जाएगी. तो जिस एंगल पे इसने इंसिडेंस किया, एंगल ऑफ इंसिडेंस या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्लैक्शन नहीं रिफ्रैक्शन, और ये वाला एंगल ऑफ इमरजेंस, ये ग्लास से किस एंगल से बाहर निकल गई. तो एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल ई हो जाएगा यहाँ पे हमारा. क्योंकि ऐसा क्यों, क्योंकि जितना अंदर की तरफ बैंड हुआ उतना बाहर की तरफ बैंड हुआ. तो ये वाले जो दोनों लाइन है, अगर इन्हें ड्रॉ करें आगे तक, इसको अगर ऐसे ड्रॉ करें तो ये आपस में पैरेलल लाइंस हैं, और एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल ई हो जाएगा फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइन एंड एंगल्स. अब हम बात करते हैं इसके अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, वेलोसिटी. ये वाला केस मैंने आपको बताया था वैसे ही वेलोसिटी चेंज करने के लिए, लेकिन रिफ्रैक्शन जो होता है वो कभी भी नॉर्मल नहीं होता. यहाँ मैंने क्या दिखा दिया कि ये जो नॉर्मल लाइट जा रही थी 90 डिग्री पे, लेकिन 90 डिग्री पे कभी रिफ्रैक्शन नहीं होता, रिफ्रैक्शन हमेशा नॉर्मल से अलग रहेगा. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वन मीडियम डेट इज इक्वल्स टू वी वन, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम टू डेट इज इक्वल्स टू वी टू हमने मान लिया. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसका, लेकिन ये जिसके सरफेस पे इंसिडेंट हो रही है, जिसकी वजह से चेंज आ रहा है वेलोसिटी में, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है. तो ये किसका हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू एयर. दिस इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू, मीडियम टू क्या है, ग्लास, विद रिस्पेक्ट टू मीडियम वन. तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से, म्यू ये सिंबल होता है म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू वन. ये आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी निकालना आ गया, रिफ्रैक्शन क्या होता है ये आपने जान लिया. तो ये कुछ लॉज है रिफ्रैक्शन के, मान लीजिए ये हमारे पास वही मीडियम वन, इधर मीडियम टू है, ये मान लीजिए हमने तीन नॉर्मल ड्रॉ कर लिया. पहला हमने एंगल आई पे इंसिडेंट करवाया तो वो हल्का सा नॉर्मल की तरफ बैंड हुई, और एंगल आर पे से डिफ्रैक्ट हो गया. तो हमने इसका रेशियो ले लिया साइन आई अपॉन साइन आर, एक बार एक रेशियो फाइंड किया. फिर सेकंड टाइम हमने क्या किया, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा दिया, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा दिया, थोड़ा सा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ गया. फिर हमने इसका रेशियो लिया साइन आई अपॉन साइन आर. फिर तीसरी बार क्या किया, आई को और बढ़ा दिया तो देखा आर और बढ़ गया. फिर दोबारा हमने रेशियो लिया साइन आई अपॉन साइन आर. हमने जब ये इन रेशियोज को कंपेयर किया तो हमारा एक लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन सामने आया, क्या, फॉर एनी पेयर ऑफ द मीडियम कोई द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ रिफ्रैक्शन रिमेंस कॉन्स्टेंट. हर बार ये जो रेशियो है साइन आई साइन आर का, ये कॉन्स्टेंट ही रहेगा, और इस कॉन्स्टेंट को हम लोग जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोल देंगे. दिस रेशियो इज कॉल्ड
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू मीडियम वन डेट इज इक्वल टू म्यू टू वन, और म्यू टू वन हमने पहले क्या पढ़ा था कि इक्वल होगा वी वन और वी टू के, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम वन, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम टू। इस लॉ को हम लोग स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। ये बुक में कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं आपके, सनराइज और सनसेट वाला। हमको सनराइज और सनसेट जो होता है वो 2-3 मिनट पहले ही दिख जाता है, क्यों? ड्यू टू द रिफ्रैक्शन। सन होता यहाँ पे है लेकिन डेंसर रीजन में रिफ्लेक्ट नॉर्मल की तरफ होएगा तो हमें थोड़ा जल्दी दिख जाता है कि सन यहाँ पे हो। 2-3 एग्जांपल हैं, ये आप रीड कर लेना एक बार, समझ में आ जाएंगे। फिर एक न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल में क्या पूछा गया है, इधर हमें क्या गिवन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का गिवन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का गिवन है विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। वैक्यूम ऐसा, वैक्यूम इज अ रीजन वेयर एटमोस्फेरिक प्रेशर, जहाँ जो प्रेशर जो होता है वो एटमोस्फेरिक प्रेशर से भी कम होता है। तो हमें जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो गिवन होते हैं वो सब विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम के गिवन होते हैं। तो हमें क्या फाइंड करना है, कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास ये हमें फाइंड करना है। ये फाइंड करना है स्पीड ऑफ लाइट, इट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास टू द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। वी डब्ल्यू स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, वी जी स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो हमें ये वी फाइंड करने हैं, वी डब्ल्यू और वी जी। ये कैसे हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। तो मैं लिखा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, लाइट इन वैक्यूम सी, सी होता है जो कि 3×10⁸ समथिंग होता है स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर हम फाइंड करना है, म्यू हमारे पास गिवन है तो हमने वी फाइंड कर, हम अभी सोल्व नहीं कर रहे, हमने यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल ली वी डब्ल्यू की, ये वैल्यू आ गई वी डब्ल्यू की। सिमिलरली हमने यहाँ से वी जी की वैल्यू निकाल ली और हमने ये वैल्यू रख दी इसके अंदर म्यू डब्ल्यू जी में, म्यू डब्ल्यू जी में यहाँ सी से सी कैंसिल हो गया और म्यू जी और म्यू डब्ल्यू की वैल्यू पुट करके हमने यहाँ से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड कर लिया, क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। तो इसी टाइप से ये आपके न्यूमेरिकल्स हैं, यहाँ तक आप अपने नोट्स कंप्लीट कर लेना। थैंक यू।